जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक विद गुप्ता में। तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। देखिए आज जो है बहुत सारे लड़के जो है वो आयोग गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने सचिव से बात किया। सभी लड़के तो नहीं बात किया, कुछ लड़के गए हुए थे अंदर जिसमें कि सचिव से बात हुआ। सचिव से यही बात किए वो लोग, क्या मेरा जो OMR सीट मैंने अच्छे तरीके से भरा हुआ था, जो भी दिशा निर्देश दिया गया था चाहे वो बुकलेट में हो या OMR में हो, तो उसको पूरा करते हुए वो लोग जो है OMR सीट को भरे हुए थे सब अच्छे अच्छे तरीके से, मतलब कोई भी उसमें इरर नहीं था। बट और उनका जो रिजल्ट जो है नहीं आया है और उनका नंबर भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो सचिव का यही सुझाव था उनका, वो बोले कि मुझे जो है अपना रोल नंबर के साथ एक आवेदन मुझे आप दे दीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यही बताया था कि आप जो है यथाशीघ्र एक आवेदन आयोग जाके जमा कर दीजिए, शायद आपका जो है अगर सब कुछ सही हो तो आपका रिजल्ट दोबारा आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं फुल गारंटी नहीं लेता हूँ क्योंकि आप छोटा सा भी गलती किए होंगे, अगर चाहे वो OMR में हो या क्वेश्चन बुकलेट में हो, तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी आपको रिजेक्ट किया गया, आप किस कारण से किया गया है वो जरूर आयोग निकालेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन में रफ किए थे मगर उनका जो है रिजल्ट आया हुआ है, मगर अगर आप अगर अभी क्वेश्चन में अगर रफ किए होंगे तो आपको दोबारा नहीं लेगा वो, सीधा आपको बता देगा कि मैंने ये निर्देश दिया था कि क्वेश्चन में आप जो है रफ नहीं कीजिए करने के लिए, बट आपने किया इसलिए मैंने आपको रिजेक्ट किया। तो यही सब छोटा से छोटा गलती आपका देखा जाएगा, अगर 0.1% भी अगर इरर होगा चाहे वो OMR सीट पे हो या आपका क्वेश्चन बुकलेट पे हो, तो सीधा आपको जो है सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरा यही सलाह है आपसे, जो भी अभी तक आयोग नहीं गए हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए, तो वो कृपया करके आयोग जाइए। और देखिए क्योंकि आयोग जाके ही आपको सामने आप बाय पोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है बाय पोस्ट सोचते हैं मैं आयोग अपना लेटर भेज दूं एप्लीकेशन करके, ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद जो है फिजिकली रूप से वहां जाना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हम्बल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो सचिव से कीजिए या किसी और से कीजिए, जो भी वहाँ पर बड़ा बाबू है या जो भी उनका क्लर्क है उनसे एक बार आप ज़रूर बात कर लीजिएगा अगर क्या कहना है इस मैटर पे आपका। तो मेरा यही सलाह है जो अभी तक नहीं गए हैं आयोग, वो कृपया करके इसी सप्ताह इस चीज़ को देख ले। और मेरा विश यही है आपको, अगर आपका सब कुछ अच्छा है, अगर नंबर भी अच्छा है, तो आपका रिजल्ट ज़रूर बने। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।